जैन कुम और उनका व्हाट्सएप अविभाजित सोवियत रूस में एक छोटे से गांव में जन्मे जैन कुम गरीबी और अभाव के बीच बड़े हुए इनके घर में बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे तक नहीं थे कुंभ की माँ बच्चों की देखभाल करने का काम करती थी कुम दुकानों में झाड़ू पोछा का काम करते और दिन रात इस उधेड़बुन में लगे रहते कि अपने व्यवसाय को कैसे चालू करें 18 साल की उम्र में कुम ने इसी दुकान में काम करते हुए कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग ही सीख डाली इसके बाद सैन जोन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर काम किया इस बीच ब्रायन एक्टन कंप्यूटर इंजीनियर से मिलना उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव बना कुम को याहू के इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की नौकरी मिल गई यहाँ जिंदगी में कुछ करने की उनकी उमंग को जैसे पर लग गए कुम ने सन 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोजते एक दिन उन्हें एक एप्लीकेशन का आइडिया मिला और लगा कि पूरी दुनिया को सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिससे लोग सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकें कुम कोडिंग और डिकोडिंग में सैकड़ों बार असफल हुए तब कहीं जाकर वाट्स एप बनाने में कामयाबी मिली कुम की इस जीत पर पूंजी पैसे जिम गोइट्स नामक एक व्यक्ति ने लगाई कुछ ही दिनों में यह एप्लीकेशन मोबाइल की दुनिया का नंबर वन एप्लीकेशन बन गया एक राइस मिल का बनना राजेंद्र नामक एक छोटा व्यापारी कई सालों से अनाज का व्यापार कर रहा था उसने व्यापार बढ़ाने हेतु राइस मिल खोलने का विचार किया उसके पास भूमि स्वयं की थी पर अन्य जरूरतों के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवश्यकता थी अतः उसने स्थायी पूंजी जैसे भवन मशीन फर्नीचर आदि खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया कामकाजी पूंजी जैसे शुरुआती खर्च वेतन बिजली बिल मजदूरी आदि हेतु स्वयं धन लगाया राजेंद्र को एक सरकारी योजना के अनुसार लघु उद्योग को प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद एवं छूट भी प्राप्त हुई मिल में बीस तीस मजदूर काम करते हैं जिसमें दो तीन महिलाएं हैं ज़्यादातर कर्मचारी अस्थाई हैं इन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक मजदूरी मिलती है कुछ स्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन के साथ साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा भी प्राप्त है मिल में अत्याधुनिक मशीन होने के कारण साल भर उत्पादन चलते रहता है यहाँ पर प्रमुख रूप से शासन द्वारा दिए धान से चावल तैयार कर वापस शासन के गोदामों में भेज दिया जाता है धान से चावल तैयार करने का भुगतान शासन द्वारा लगभग प्रति माह कर दिया जाता है शासन द्वारा छूट भी दी गई है कि सूखे या अन्य कारणों से धान उपलब्ध नहीं कराने की दशा में मिल मालिक बाजार से धान क्रय कर अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है इस प्रोत्साहन के कारण राजेंद्र ने साहस जुटाकर मिल लगाए एक चाय नाश्ते की दुकान रायपुर के एक व्यस्त इलाके में रमेश चाय नाश्ते की दुकान चलाता है उसने यह जानकारी दी है कि वह चाय की दुकान कैसे चला रहा है रमेश ने स्थाई पूंजी बर्तन गैस सिलेंडर सामग्री रखने के लिए एक लकड़ी का स्टॉल पर व्यय के लिए दस हजार रुपये की राशि अपने रिश्तेदार से उधार ली और उसे ब्याज दिया तालिका रमेश की दुकान की मासिक आय व्यय विवरण आमदनी प्रतिदिन चाय और नाश्ते की बिक्री दो हजार रुपये महीने भर में चाय और नाश्ते की बिक्री छब्बीस दिन के बावन हजार रुपये प्रतिमा दुकान मालिक के पास शेष बचे रुपए बावन हजार रुपये ऋण तैतीस हजार बराबर उन्नीस हजार रुपये चूंकि यह स्वरोजगार है उसे इसी पैसे से अपने परिवार का गुजारा करना होता है इसके लिए उसे सोलह हजार रुपये प्रति माह की आवश्यकता है वह महीने में तीन हजार रुपये की बचत या लाभ अर्जित करता है इस बचत की राशि से वह भविष्य में अपने दुकान को बढ़ाना चाहता है तो बच्चों इस अध्याय में आपने देखा कि उत्पादन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होती है और इन साधनों का उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी शहर के विकास के लिए इन साधनों का क्या योगदान होता है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अब तक लगातार विकास की ओर आगे बढ़ता रहा इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर उत्पादन के इन साधनों की पर्याप्त उपलब्धता थी और साथ में ऋण के लिए सरल ऐसी सरकारी नीतियाँ थीं जिनके द्वारा यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सके और इससे न केवल रायपुर शहर के लोगों को बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के भी अन्य कई क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल पाया है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ पाया है तो आपने देखा कि किस तरह रायपुर शहर लगातार विकास की ओर अग्रसर होता रहा है